सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया ताकि गरीब लोगों को बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल सके, परंतु सिद्धार्थनगर जनपद के कोराईबनिया गांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है, जिसमें सुंदरी देवी सहित 41 परिवारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ तो बताइए आप लोग का स्मार्ट कार्ड के बारे में क्या समस्या है? स्मार्ट कार्ड का फोटो तो खींच गए, खींच के लेके गए पर बाद में कहीं बिहान परो में मिल जाए, बिहान परो करत करत नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। फिर हमारे टोल नंबर पर फोन किया गया, फिर बनाने वाले आए, तीन आदमी के बनाए ओकरे बाद में जब और सब लोग गए 40 लोग ओकरे बाद में कहीं कि 500 रुपया लागे, तो ना हमरे सब 500 रुपया दिया गया ना बना। फिर तहसील पे गए तो कहें कि बन जाए, और बन जाए करत करत एक साल बीत गया। तो आप लोग दवा का कैसे निर्वाह करते हैं जो बीमार उमार होते? कर्जा लेके और कैसे निर्माण हुई? तो गहन रोहन गान एक लड़का बेराम रहा, हमहूँ बहुत बेराम रहें, तब तो कहें तो मैंने पैसा दिएन, तब ही लागे फिर बना कर दिए फोटो खींच। कितना दिए थे? 30 रुपया दाई दिए हन, 30 दाई दिए हन, तब बना कर दी नहीं। बहुत रोहन गान गरीब मनाई कि ना पहुँचानी है तर दवाई कहीं हाँ। और आपके साथ में कितने लोग का बना कार्ड इस गांव में? 3 मनई बना है। आपको लेकर? हाँ, हमारे लेकर 3 मनई बना है। अच्छा, तो और लोगों और सभी लोगों का किसी का नहीं बना? नहीं बना, पैसा मांगत रहे कहाँ, 500 रुपया दियो तब बना के दिया भाई। समुदाय के लोग चाहते हैं कि इन सभी परिवारों का स्मार्ट कार्ड बने, जिससे इन लोगों का निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल सके। आप सभी दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सेमो का मोबाइल नंबर है 94-15-72-73-25 पर कॉल कर दबाव बने, जिससे इन लोगों का स्मार्ट कार्ड बन सके। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।